साथ एक शख्स हैं, वो अपना परिचय खुद बताएंगे और वो कुछ गुरु रविदास मंदिर को लेकर कुछ बताना चाह रहे हैं। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम कल्याण सिंह है, मैं रिटायर्ड DSP हूँ और एडवोकेट हूँ गाजियाबाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सिकंदर लोधी और रविदास महाराज के बीच में ये कॉन्टैक्ट था, उस जमाने में भूमि का रिकॉर्ड कोई नहीं था, न तो संत रविदास जी ने लिया, न सिकंदर लोधी ने दिया। लेकिन सम्राट अकबर के बाद टोडरमल के मंत्रिमंडल में जब यह भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ, उस समय से हमारे भारत का भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ। उसके बाद 1857 में जब विक्टोरिया क्राउन आया, महारानी विक्टोरिया का राज आया, तब से ये हमारा इंग्लिश भूमि बंदोबस्त आया, जिसमें ये जो फॉरेस्ट एक्ट है, ये 1835 या जब ये 1935 के बाद पास करके इसको नोटिफाइड एरिया कर लिया, या DDA ने कर लिया। DDA का भी जन्म आज़ादी के बाद हुआ, तो इन सबों का जन्म तो उसके इतिहास काल में बहुत बाद में हुआ है, जिसको ये कहते हैं कि साहब भूमि का कागज़ नहीं है, संत रविदास का कोई वारिस तो है नहीं। तो आप लोग ये बात कोर्ट में क्यों नहीं पहुँचा पाए? ये अब तक गलती हुई हमारे जो डिफेंस के वकील से, उसको अब दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है अपने ही फैसले को। कायदे से ये जज को इतना सोचना चाहिए, आर्टिकल 49 कहता है कि मोनूमेंट की सुरक्षा की जाए। रविदास का कोई मोनूमेंट है, पुराना है, और उस रोड का नाम संत रविदास मार्ग है, वहाँ बच्चों का पार्क है बगल में उस, और वहाँ पर संत रविदास की याददाश्त की निशानी बनी हुई है, तो उसे तोड़ने का आदेश आर्बिट्रेटरी है, वेग है, फेक है, वाइस है, या तो किसी न किसी दबाव में या किसी प्रभाव में वो दिया गया फैसला मालूम होता है, तो उसे प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। और न्यायालय से पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और सही फैसला करें, क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है और इसमें इन्होंने बड़ी भूल की है, क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्य का मामला था, इसमें इतिहास से साक्ष्यों को इकट्ठा करना चाहिए था। ये जो कागजात है, सक्सेसर अधिनियम में अगर रविदास का कोई सीधे सक्सेसर होता, उनका वंशज, तो भूमि की मांग करता। समाज तो भूमि की नाम मांग नहीं करता, समाज की जमीन है, सारी सरकार भी तो समाज की है। हम कह रहे हैं सरकार अगर कोई और काम करती है, वन लगाती है या करे, तो उसका कौन विरोध करता है? हम तो नहीं करते। हमारे मोनूमेंट को न तोड़े, वो एक याददाश्त यात्रा का स्थान वहाँ बना रहे और उसकी सुविधा प्रदान कर दे, सिर्फ ये तो हमारा मूल अधिकार है, जो हमारा नेचुरल राइट है। उस अधिकार को सरकार अगर बनाए रखती है, जो उसका दायित्व भी है, उसको तो वो करती नहीं, बजाय इसके उसको आर्बिट्रेटरी हटा देना चाहती है। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वो वकील साहब थे जो बता रहे थे कि फैसले को लेकर लोगों में असंतोष है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। मेरे साथ भीम आर्मी की एक टीम है, चंद्रशेखर रावल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब क्या बालिया क्या रहेगा, आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा सरकार को ये कहना चाहता है कि 10 दिन के अंदर अगर हमारे गुरुघर को परम संत रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया है, अगर 10 दिन में नहीं बनाया जाता, तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हैं तो बड़ा आंदोलन करेंगे, और आरक्षण पर भी आप लोग आंदोलन का कोई प्लान बना रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो है, जो हमारा गुरुघर तोड़ा गया है, भोजन समाज के महापुरुषों का अपमान किया गया है। लेकिन आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर राव बनाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, और उसके बाद तोड़फोड़ होती है। देखिए, और उस वजह से 96 लोग को जेल जाना पड़ रहा है। ये तो संगठन को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। अगर हम बदनाम कर रहे हैं, मायावती बदनाम कर रही है? नहीं, जो सरकार नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि जो भोजन समाज की आवाज उठा रहा है, भीम आर्मी भारत कमीशन भोजन समाज की आवाज़ को उठा रहा है। BSP सुप्रीमो ने साफ पल्ला झाड़ा, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस तरह की हिंसा में शामिल है, उससे BSP का लेना देना नहीं। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं और ऐसे ही भोजन समाज की आवाज़ को उठाते रहेंगे। उठाते रहेंगे या जरूरत पड़ी तो आप उग्र प्रदर्शन भी करें? जी करेंगे। 10 दिन का सरकार को हम टाइम दे रहे हैं कि 10 दिन में अगर हम गुरु घर हमारा नहीं बनाया गया, तो हम लोग जो है एक बार फिर
फिर से संवैधानिक दायरे में रह करके भारत बंद करेंगे। संवैधानिक दायरे में क्या होगा, क्या होगा, कैसे प्रदर्शन करेंगे, जो रैली धरना क्या करेंगे, जो लाखों करोड़ों लोगों की, क्योंकि जब जो लाखों करोड़ लोग आएंगे तभी जो है अपने तोड़ फोड़ के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, कोई सफाई देनी है, कुछ कहना है आप लोग? जी बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ संगठनों को बदनाम करने की साजिश है। हमारे लोग तोड़ फोड़, चंद्रशेखर रावण के अलावा 95 लोग और जेल में हैं अभी जी। आप लोग कोई लीगल असिस्टेंस, कुछ मदद कैसे करेंगे आपके संगठन? हम लोग जो है, जो साथी हमारे बंद हैं, उन लोगों को मेट्रो स्टेशन से उठाया। अगर उन लोगों को तोड़फोड़ करनी होती तो वो लोग 6 घंटे पहले वहीं करते, लेकिन ये जैसे ही शाम होती है, जैसे ही रात होती है, वहाँ जो है कुछ लोगों को छोड़ा जाता है, तोड़फोड़ करते हैं, सिर्फ संगठन को बदनाम करने की साजिश है। देखिए शंकू भाई, आप जानते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे बने रहे, आपने देखा 24 आप नहीं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा लोगों ने, 24 किलोमीटर का जो है हम लोगों ने मार्च निकाला। अदरवाइज हमको हमारे लोगों को कोई ऐसा अराजकता फैलानी होती तो हमारे लोग इस बीच में बहुत बड़ी अराजकता फैला सकते थे, मगर हम लोगों को जो है, हमारे लोग जो हैं संवैधानिक दायरे में रह के काम करना जानते हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान के रक्षक हैं, वो ये संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो रात को अंधेरे में कुछ अराजक तत्व लोग जो है वहाँ पर घुसे और भीम आर्मी की बढ़ती ताकत, बहुजन समाज की बढ़ती ताकत को देखते हुए उनको रोकने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए ये काम किया। कौन बदनाम कर रहा है ये अगर ये इसमें पूरी केंद्र सरकार की जो है पूरी, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें केंद्र सरकार जो है वो भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से घबराते हुए भीम आर्मी को बदनाम कर रही है और भीम आर्मी के और बहुजन समाज के जितने भी लोग। रावण से मुलाकात हुई है परसों और आज के बीच में? नहीं, अभी कोई मुलाकात नहीं। बालिया रावण से मुलाकात हुई है? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई है। भाई ने एक अंदर से स्टेटमेंट जरूर भिजवाया है, एक साथी गए थे मिलने, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट भिजवाया है कि जब तक 95 साथी नहीं निकलेंगे तब तक मैं अपनी जमानत नहीं लूंगा, जब वह 95 साथी निकल जाएंगे उसके बाद मैं अपनी जमानत लूंगा। जब तक गुरु क्या कहेंगे, ये जो हो रहा है ये आप बहुत भली भांति जानते हैं कि मनुवादी शक्तियां हैं जो कि हमारे आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती हैं। एक शांतिपूर्ण आंदोलन जो कि इतने बड़े रूप में दलितों का आज तक, जिसमें युवा 19, 20, 22 साल के बच्चे उसके अंदर सम्मिलित हैं क्योंकि सब अपने अधिकारों के लिए जागृत हैं, उसको बदनाम करने की साजिश के तहत भीम आर्मी को बदनाम किया जा रहा है। भीम आर्मी शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रही थी, हमारे नेता को एक गलत षड्यंत्र के तहत अरेस्ट किया गया और उनको डिटेन किया गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक बयान, मतलब जेल जो उनसे मिलने गए उनको कहा है क्या इंडियन वुमेन्स प्रेस? अच्छा, यहाँ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया? पहले परमिशन दे दी थी लेकिन अंत समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन आपने बुक कराया था, कौन थे जिनके नाम पर आपने प्रेस क्लब? ये कुछ जी ने बुक कराया था, अब उसके बाद क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, ये पत्रकार बंधुओं को बताया गया कि यहाँ पे परमिशन रद्द हो गई। देखिए बहुत दबाव में, अब प्रेस क्लब का मैं मेंबर हूँ लेकिन जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, कल मैं वहाँ एक इंटरव्यू किया कर रहा था, मुझे वहाँ कहा गया कि आप यहाँ मत कीजिए, मतलब पत्रकारों की गजब हालत है भाई साहब। अब मुझे वुमेन्स प्रेस क्लब के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं यहाँ मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सेकेंड, इंडियन वुमेन्स प्रेस ग्रुप ये है और यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग गिरफ्तार हैं उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे लेकिन इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश के जो पत्रकार हैं, सो कॉल्ड पत्रकार, वो कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं। मुझे कल, मैं प्रेस क्लब में मुझे इंटरव्यू करने से एक आदमी ने एडवाइस कर रहे थे, मैंने कहा मुझे मत समझाइए, इंडियन वुमेन प्रेस क्लब में इनका कितने आपकी बुकिंग थी, आपने पैसे जमा कर दिए थे उसके बाद सब कुछ हो चुका था लेकिन अभी उसकी एक बार क्लैरिटी मिलनी बाकी है, लेकिन अंत मोमेंट में यहाँ पे सभी पत्रकार बंधुओं को मना कर दिया गया कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है। देखिए ये खेल चल रहा है भैया, तो भारत की मीडिया की ये हालत है आप समझ लीजिए, जबकि वही इस देश के दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में SC ST OBC माइनॉरिटी को छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ किनका किनका ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं, और जब बात बहुजन की आती है तो ये प्रेस क्लब भी, ये भी अड्डा है, सवर्णों का नहीं, मनुवाद और जातिवाद का बड़ा अड्डा है। मैं प्रेस क्लब का मेम्बर हूँ, मैं ये सब जानता हूँ। चलिए शुक्रिया आप लोगों का, भीमसर पैलेस के रोड पर ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो भीम आर्मी ने कुछ सफाई दी है, चंद्रशेखर रावण का एक बयान उनके साथी ने कहा है कि जब तक 95 लोग नहीं छोड़ते हैं वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।